इस वीडियो में हम टिप्स प्रैक्टिस बुक यूनिट नंबर सिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से इफ ए रिडार सिस्टम डिजाइन इन अकॉर्डेंस इफेक्ट इफ एन एरोप्लेन इज मूविंग अवे फ्रॉम रिडार द वे ऑफ द रिफ्लेक्टेड वे फ्रॉम द एयर प्लेन वुड बी अब फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें कहता है कि रिडार सिस्टम को डिजाइन किया गया है डॉपल इफेक्ट के अकॉर्डिंग और कहता है अगर एक एयरप्लेन है जो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द रेडार तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी देखिए हम केस जानते हैं कि हमारे पास जब सोर्स मूव करता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर अब इस केस में याद रखें कि हमारे पास जब रेडार सिस्टम काम करता है तो रेडार रिफ्लेक्टेड वेव्स को ऑब्ज़र्व करता है तो रेडार हमारे पास ऑब्ज़र्वर है और जो एयरप्लेन जिसको ऑब्जर्व करना चाह रहा है वो क्या है वो सोर्स है क्योंकि वहां से जो वेव है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है रेडार की तरफ तो अगर वो मूव करेगा अवे तो अवे मूव करने से हम जानते हैं कि जो वेव होती है वो इंक्रीज करती है और हमारी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो क्या कर रही होती है डिक्रीज तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बीटा कि जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसकी वेवलेंथ लार्जर होगी ट्रांसमिटेड वेव सेकंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ट्रांसफर वेव्स कैन प्रोपोगेट अब ट्रांसफर वेव्स कहाँ प्रोपोगेट करती हैं हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि ट्रांसफर वेव की प्रोपोगेसन के लिए सबसे प्रेफरेबल जो मटेरियल होता है वो सॉलिड होता है तो यहाँ पर अल्फा ऑप्शन कहता है बोथ गैस एंड इन मेटल नो बीटा कहता है नॉट इन गैस बट इन मेटल ये करेक्ट है कि गैस में प्रोपोगेट नहीं करेगा लेकिन मेटल में करेगा फ्लूड्स में हमारी ट्रांसफर वेव्स डेड हो जाती हैं तो प्रेफर किया जाता है सॉलिड्स के अंदर जहां वाइब्रेशन इजीली ट्रांसफर हो सके वहां पर ट्रांसफर वेव प्रोपोगेट करती हैं थर्ड क्वेश्चन द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 256 फ्रीकवेंसीड्स कम्पेयर विद द स्पीड ऑफ साउंड फ्रिक्वेंसी फाइव वन टू हर्ड फ्रीक्वेंसी टू फिफ्टी है उसकी स्पीड को कंपेयर करना है फाइव वन टू हर्ड्स की फ्रिक्वेंसी के साथ जब तक मीडियम चेंज नहीं होता हमारे पास स्पीड चेंज नहीं होती तो अगर हमारे पास सेम मीडियम होगा तो चाहे हमारी फ्रीक्वेंसी डबल हो फ्रीक्वेंसी हाफ हो दोनों केसेस के अंदर जो स्पीड की वैल्यू होगी वो सेम रहेगी तो फ्रीक्वेंसी 256 फिफ्टी हर्ट से चाहे डबल हो रही है तो इससे वेवलेंथ हाफ होगी लेकिन जो स्पीड की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी कांस्टेंट स्पीड कब चेंज होती है जब मीडियम चेंज होता है इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या होगा डेल्टा सेम फोर्थ क्वेश्चन the diagram shows a transfer wave at a particular instant the wave is traveling to the right the frequency of the wave is 12.5 hertz at the instant shown the displacement is zero at point p what is the shortest time elapses before the displacement is zero at point q अब क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे पास वो कहता है कि एक ट्रांसफर वेव है जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर मेंशन की हुई है वेव इज ट्रेवलिंग टू राइट और वेव हमारे पास कहां प्रोपोगेट कर रही है वेव हमारे पास प्रोपोगेट कर रही है राइट right डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है ट्वेल्व पॉइंट फाइव हर्स कहता है एट द इंस्टेंट डिसप्लेसमेंट इज जीरो पी पॉइंट पी के ऊपर डिसप्लेसमेंट जीरो है कहता है शॉर्टेस्ट टाइम कितना होगा बिफोर द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो पॉइंट क्यू कि जब पॉइंट क्यू पर भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि वेव प्रोपोगेट कर रही है फॉरवर्ड अगर ये वेव प्रोपोगेट कर रही है फॉरवर्ड तो हमारे पास जो नेक्स्ट वेव ने डिवेलप होना है वो ये डिवेलप होगी इसको मैं अगर प्रॉपरली ड्रॉ करता हूं तो नेक्स्ट वेव की ये प्रोपोगेशन है कहते हैं हमारे पास कितना टाइम लगेगा पी से क्यू क्योंकि अगर पी पे डिस्प्लेसमेंट जीरो तो क्यू पे भी डिस्प्लेसमेंट जीरो आसान सा तरीका है वेव को अगर आप देखें तो कितने इंटरवल्स में डिवाइड किया हुआ है एट इंटरवल्स में अगर एक वेव को एट इंटरवल्स में डिवाइड किया हुआ है तो पी से क्यू तक मूव करने में जो टाइम हमारे पास लगेगा वो कितना टाइम लगेगा फ्रॉम पी टू क्यू टोटल टाइम का एट पार्ट अगर फोर्थ में डिवाइड होता तो फिर हम फोर पॉइंट्स में लेते हैं लेकिन पी टू क्यू नजर आ रहे हैं कि टोटल वेव का एट पार्ट है तो ये टी बाई एट हमें गिवन फ्रीक्वेंसी है तो ये आ जाएगा ओवर अब यहां पर हमने वैल्यूज को सब्सिट्यूट करना हमारी है हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ट्वेल्व पॉइंट फाइव और ट्वेल्व पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई किस एट से तो ट्वेल्व पॉइंट फाइव इंटू एट क्या होता है हंड्रेड तो वन ओवर हंड्रेड क्या होगा जीरो पॉइंट जीरो तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर क्या बनेगी एल्फा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव व्हेन ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स अ सोर्स विद वेलोसिटी यू नॉट देन द मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी एफ ए बिकम्स ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स की तरफ कितनी वेलोसिटी से यू नॉट से तो मॉडिफाइड यानी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होगा केस हमने पढ़े हुए कि हमारे पास टुवर्ड्स के केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स वेलोसिटी यू नॉट से तो फार्मूला क्या होता है वी प्लस यू नॉट ओवर वी था मल्टीप्लाई क्या होता है एफ तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है चार्ली क्वेश्चन नंबर सिक्स वेन सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर विदॉसिटी यूएस द मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी अब इस केस में कहता है कि सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर अब हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी या मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी क्या होगी जब सोर्स मूव करता है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वेवलेंथ के कम होने की वजह से स्पीड कॉन्स्टेंट रहती है और फार्मूला होता है वी ओवर वी माइनस यूएस इन टू एफ इस फार्मूला को देखें यहां पर कौन सी ऑप्शन हमारे पास है बीटा सेवेंथ क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डॉपलर इफेक्ट इनमें से किस पे एप्लीकेबल नहीं होता माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स तो आंसर क्या होगा स्टैंडिंग वेव्स प्रोग्रेसिव वेव्स के लिए डॉपलर इफेक्ट अप्लाई होता है और स्टैंडिंग वेव्स प्रोग्रेसिव वेव नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट डॉपलर इफेक्ट इन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन हमने जो स्टेप की प्रैक्टिस बुक की क्वेश्चंस किए थे वहां पर भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि हमारे पास जो डॉपलर इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड नहीं करता डॉपलर इफेक्ट अप्लाई तब होता है जब डिस्टेंस चेंज होता डिस्टेंस चेंज होगा दो तरह से या डिस्टेंस बढ़ेगा रिलेटिव मोशन की वजह से या रिलेटिव मोशन की वजह से डिस्टेंस कम होगा तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस इट डिपेंड्स ऑन द चेंज इन डिस्टेंस कि सिर्फ दो बॉडीज में एक डिस्टेंस हो उस पर डॉपल इफेक्ट अप्लाई नहीं होता क्योंकि जब तक डिस्टेंस चेंज नहीं होगा फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा बाकी ऑप्शन के एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा वेलोसिटी ऑफ सोर्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर पे करेगा नहीं करेगा तो डिस्टेंस पे नहीं करेगा क्वेश्चन नंबर नाइन अ स्माल सोर्स ऑफ साउंड मूवस इन अर्कल एज इन फिगर एंड ऑब्जर्वर इज सिटिंग एट ओ लेट एफ वन एफ टू एंड एफ थ्री बी द फ्रीकवेंसी इज हेड वेन सोर्स इज एट ए बी एंड सी देन क्वेश्चन नंबर नाइन को देखें कहते हैं एक स्मॉल सोर्स है साउंड वेवस का जो मूव कर रहा है सर्कल में हमारे पास सर्कल में जो मूव कर रहा है वो सोर्स है इसको मैंशन कर देता हूँ कि ये हमारे पास सोर्स है और डायरेक्शन अगर आप देखें तो डायरेक्शन हमारे पास उसने मैंशन की हुई है क्लॉक वाइज है और जो ऑब्ज़र्वर है वो कहाँ पर है ऑब्जर्वर इज़ सिटिंग एट ओ ऑब्ज़र्वर सेंटर के ऊपर तो कहते हैं फ्रीक्वेंसीज एफ वन एफ टू एफ थ्री हैं जो पॉइंट ए बी और सी इनका आपस में क्या रिलेशन होगा अभी हमने बात की कि इफेक्ट चेंज इन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है अगर सोर्स मूव कर रहा है एक सर्कल में और ऑब्जर्वर सेंटर पर है तो चाहे पॉइंट सी हो चाहे बी हो चाहे ए हो तीनों पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से सेम है रेडियस इसका मतलब ये होगा कि तीनों पॉइंट के ऊपर हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी जो वही रियल तो ऑप्शन हमारे पास यहां पर कौन सी करेक्ट होगी एफ वन इज इक्वल टू एफ टू इज इक्वल टू एफ थ्री सॉरी यह मैंने गलत मार्क दिया बीटा यह इक्वल होगा स्टेशनरी ऑब्जर्वर द पिच ऑफ साउंड विल बिकम अब केस है सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स पिच मीन्स फ्रीक्वेंसी तो क्या हमने पढ़ा था जब सोर्स टुवर्ड्स मूव करेगा पिच फ्रीक्वेंसी क्या करेगी

सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वेव्स ओवर टोटल टाइम तो टोटल वेव्स हमारे पास 54 फोर है टाइम वन मिनट है मीन 60 सेकंड ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट होगी जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो है 10 मीटर फाइंड करनी है वेलोसिटी तो v इज़ इक्वल टू एफ़ टाइम्स लेमडा अब f की वैल्यू मैंने उसी तरह लिखी है फिफ्टी ओवर सिक्सटी वेवलेंथ क्या है टेन ये कैंसिल हो जाएगा और सिक्स इंटू नाइन होता है तो नाइन मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन इज चार क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव वन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर इज ये भी हमने स्टेप की बुक में देखा था कौन सी प्रॉपर्टी वेव की इनमें से ऐसी है जो बाकियों के इंडिपेंडेंट है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है ना फ्रीक्वेंसी पे ना वेवलेंथ पे लेकिन वेवलेंथ Frequency और वेलोसिटी आपस में डिपेंड करती हैं v F के के रिलेशन अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर द फर्स्ट पॉइंट इज हंड्रेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड ओवर टून हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रिंग का केस है उसमें फर्स्ट हारमोनिक जिसको फंडामेंटल कहते हैं उसकी वैल्यू हंड्रेड हर्ज है हमने थर्ड ओवर टून की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एफ वन हमें गिवन है हंड्रेड हर्ज अब पता हमें होना चाहिए कि स्ट्रिंग के केस में थर्ड ओवर का मतलब क्या है थर्ड ओवर का मतलब है एन प्लस वन हारमोनिक और एन यहाँ पर क्या है हमारे पास जो वैल्यू थ्री है वही यहाँ पुट करेंगे तो यह आपके पास आएगा फोर्थ हारमोनिक ये तरीका होता है ओवर टोन से हारमोनिक फाइंड करने का तो मीन्स हमने एफ फोर को फाइंड करना है एफ फोर हमारे पास फोर टाइम्स एफ वन के इक्वल तो फोर टाइम्स हंड्रेड आंसर क्या होगा हंड्रेड हर्ट्स तो 13 का जो हमारा आंसर है सॉरी 400 हर्ट्स वो क्या है 4 लें क्वेश्चन नंबर 14 द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज ऑर्गन पाइप इज 50 हर्ट्ज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ओवरटोन इज अब इस केस में वो कहता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज ऑर्गन पाइप की 50 हर्ट्ज है हर। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है सेकंड ओवरटोन की फोर्टीन क्वेश्चन फंडामेंटल वैल्यू 50 हर्ड्स है लेकिन याद रखिएगा अब ये केस कौन सा है पाइप जो एक एंड से ओपन है और एक से क्लोज है क्या चीज फाइंड करनी है हमने सेकेंड ओवर टोन की वैल्यू अब सेकेंड ओवर टोन कौन सा हारमोनिक है यहां फार्मूला होता है टू एन प्लस वन हारमोनिक यानी मैं यहां पर अगर लिखता हूं रिलेशन टू एन प्लस वन आएगा और इससे पता चलेगा कि सेकेंड ओवर टोन कौन सा हारमोनिक है और एन की वैल्यू यहां पर क्या आएगी टू टू इंटू टू फोर प्लस वन फाइव इसका मतलब हमने फिफ्थ हार्मोनिक को फाइंड करना है फिफ्थ हारमोनिक एफ फाइव किसके इक्वल होगा दैट इज इक्वल टू फाइव टाइम्स एफ वन तो फाइव को मल्टीप्लाई करते हैं फिफ्टी से आंसर क्या आ जाएगा टू फिफ्टी हर्ट्स तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है डेल्टा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फ्रॉम एन ऑर्गन पाइप टम्परीचर के इंक्रीज़ करने की वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फ्रॉम ऑर्गन पाइप पे क्या इफेक्ट होगा हम जानते हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने की वजह से स्पीड पे फर्क पड़ता है क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड का टम्परेचर के साथ जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज़ करेंगे कि स्पीड का ताल्लुक अगर टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है तो ऑर्गन पाइप अगर मैं लेट से यहां पर जो मेंशन नहीं है कौन सा मैं ओपन वाला ले लेता हूं तो फार्मूला होता है वी ओवर टू एल्व तो जब हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी क्या करेगी इंक्रीज क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपका ये रिलेशन बन जाएगा फ्रीक्वेंसी का और टेम्परेचर का डायरेक्ट तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या है बीटा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन The frequency of a fundamental mode of vibration of an open organ pipe is 400 Hz. If one end of the pipe is closed, the fundamental frequency will be. Question 16: Me frequency, of fundamental mode means fundamental frequency or first harmonic. Open organ pipe 400 Hz. If one end of the pipe is closed, a close kar den, to fundamental frequency kya मैंने आपको लेक्चर में एक रिलेशन बताया था कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप हैविंग बोथ एंड्स ओपन इज ट्वाइस ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप हैविंग वन एंड ओपन क्योंकि इसका फार्मूला वी ओवर टू एल इसका फोर ओवर वी ओवर फोर एल तो हमें क्लोज़ की अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है क्लोज पाइप की तो वो क्या होगी ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे टू से तो ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फोर हंड्रेड है तो फोर हंड्रेड डिवाइड बाई टू टू हंड्रेड हर्स आंसर होगा तो सिक्सटीन क्वेश्चन का जो आंसर होगा एल्फा क्वेश्चन नंबर एन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स एंड अनदर ऑर्गन पाइप क्लोज एट वन एंड विल विद अदर इफ देयर लेंथ्स आर इन द रेशो क्वेश्चन सेवनटीन में कहता है कि हमारे पास ऑर्गन पाइप एक ऐसा है जो ओपन है बोथ एंड और दूसरा ऑर्गन पाइप ऐसा है जो क्लोज है वन एंड से वो दोनों रेजोनेट करेंगे रेजोनेट मीन्स दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी अगर उनकी लेंथ किस रेशो में हो अब सेवेंटीन क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे हम दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इक्वल कर देंगे एक वो पाइप जो दोनों एंड से ओपन है और एक वो पाइप जो एक एंड से ओपन है और एक से क्लोज है इसका फार्मूला वी ओवर टू एल इसकी लेंथ को मैं क्या नाम दे देता हूँ एल और जो क्लोज पाइप है उसकी लेंथ को मैं नाम दे देता हूँ एल डैश और हमें फ़ाइंड करना है लेंथ की रेशो मीन्स हमें एल रेशो एल डैश को फाइंड करना है वी वी से कैंसल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो टू एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फोर एल डैश टू इसे कैंसल हुआ तो एल ओवर एल डैश विल बी इक्वल टू क्या हमारे पास आंसर आएगा टू रेशो वन तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एटीन स्टेशनरी वेव्स आर ऑल आर सो कॉल्ड बिकॉज इन दैम को क्यों कहा जाता है स्टेशनरी अब ऑप्शन को यहां पर देखें द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर नॉट डिस्टर्ब डिस्टर्ब तो होते हैं बीटा कहता है द पार्टिकल ऑफ़ द मीडियम डू नॉट एग्जीक्यूट सिंपल हारमोनिक मोशन हर दो नोट्स के दरमियान जो पॉइंट्स होते हैं वो सिंपल हारमोनिक मोशन में होते हैं चार्ली कहता देर अगर नो फ्लो ऑफ एनर्जी ये करेक्ट है कि एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती जिस वजह से इनको नॉन प्रोग्रेसिव स्टेशनरी वेव कहा जाता है या स्टैंडिंग वेव कहा जाता है ये तीनों एक ही नाम है नॉन प्रोग्रेसिव वेव स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव तो एनर्जी के ट्रांसफर ना होने की वजह से ये नाम दिया जाता क्वेश्चन नंबर नाइनटीन अट्यूनिंग फॉर कंप्लीट ट्वेंटी वाइब्रेशन इन पॉइंट फोर सेकेंड इट्स फ्रीक्वेंसी एक टूनिंग फॉर्क है उसके अंदर 20 वाइब्रेशन 0.4 सेकंड में कंप्लीट होती हैं फ्रीक्वेंसी क्या होगी ऊपर हमने जो क्वेश्चन किया था ओशन वेव्स वाला उसी तरह से ये करेंगे फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ़ वेव्स को टोटल टाइम से या टोटल वाइब्रेशन को टोटल टाइम से वाइब्रेशन ट्वेंटी है टाइम कितना है पॉइंट फोर पॉइंट फोर को हम लिख सकते हैं फोर डिवाइड बाई टेन ये फोर इंटू फाइव ट्वेंटी तो टेन इंटू फाइव फिफ्टी पर सेकेंड या हर्ड आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन नाइनटीन का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्रांसफर वेव्स कैन प्रोपोगेट ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि ट्रांसफर वेव्स हमारे पास कहां पर प्रोपोगेट करती हैं आंसर क्या था ओनली इन सॉलिड्स तो ये सेम आंसर यहां पर भी होगा ओनली इन सॉलिड्स और अगर होता है लॉन्गिट्यूडनल तो वो सॉलिड लिक्विड गैसेज तीनों मीडियम में प्रोपोगेट करते हैं ट्वेंटी वन क्वेश्चन इन ट्रांसफर वेव द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रस्ट एंड अ ट्रफ इज इक्वल टू ट्रांसफर वेव में क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है हाफ वेव लेमडा बाई टू एल्फा आंसर होगा अगर पाथ डिफरेंस पूछा की जगह फेज डिफरेंस पूछा जाए तो वन एटी डिग्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द एंथ मॉड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेस स्ट्रिंग ऑफ टेंशन टी एंड हैविंग मैस एंड लेंथ इज गिवन बाय ट्वेंटी टू क्वेश्चन पूछता है कि एंथ मॉड की फ्रीकवेंसी स्ट्रेस स्ट्रिंग के लिए जिसमें टेंशन टी है मैस एम है और लेंथ हमारे पास L इस फॉर्म में कौन सा रिजल्ट करेक्ट होगा अब रिलेशन आपको पता है कौन सा है आपने सिर्फ उसको क्या करना है एंथ मॉड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना स्ट्रिंग के केस में एफ एन एन एफ वन के इक्वल है और यहां पर आप क्या करें एफ वन की वैल्यू पुट कर दें V ओवर टू एल और V का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ टेंशन क्या होता है अंडर रूट टेंशन जिसको यहाँ टी से रिप्रेजेंट किया है ओवर मैस पर यूनिट लेंथ तो n ओवर 2l इनटू अंडर रूट ऑफ टेंशन ओवर मैस पर यूनिट लेंथ ये कौन सी ऑप्शन हमारे पास है 4ली 23rd क्वेश्चन इफ अ स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन n लूप्स द वेवलेंथ इज गिवन बाय जैसे ऊपर क्वेश्चन में n मॉड की फ्रीक्वेंसी पूछी थी अब यहां पर क्या कहा गया है कि स्ट्रिंग n लूप्स में वाइब्रेट कर रहा है तो वेवलेंथ क्या होगी ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन में लेमडा एन का रिलेशन क्या होता है लेमडा वन ओवर एन और लेडा वन का फार्मूला होता है टू एल स्ट्रिंग में अगर पाइप एक एंड से ओपन हो तो फिर फोर एल आपके पास आता है तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट है ट्वेंटी थर्ड की बीटा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर The tube is dipped vertically in water so that half of it is in water. The fundamental frequency of air column is now. एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, open है both एंड से और fundamental frequency की value f है जब वो air में है। यदि the tube is dipped vertically in water, हमने tube को vertically dip कर दिया water में और half जो है अब वो tube water में है। अब पूछा गया कि fundamental frequency of air column क्या होगी? अब question number twenty four थोड़ा सा ट्रिक ही हमारे पास है पहले वो कहता है कि पाइप हमारे पास या एयर कॉलम वो एयर में है लेट से मैं कहता हूँ कि इसकी जो लेंथ है ओवरऑल वो एल है और इसके अकॉर्डिंग इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो एफ वन जो कि इसके इक्वल होती है वी बाय टू एल के और ये उसने कहा है कि इसके इक्वल है एफ के अब जब हम इसी एयर कॉलम को डिप करेंगे वाटर में वर्टिकली और हाफ डिप कर दिया जब हाफ डिप कर दिया तो अब ये केस कौन सा बन गया अब इसका एक एंड ओपन है और अब दूसरा क्लोज है और हाफ अगर डिप किया तो अब एयर कॉलम की जो लेंथ है वो एल बाई टू है अब इस केस में अगर मैं इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फाइंड करता हूँ लेट्स एफ वन डैश तो वो किसके इक्वल आएगी वो वी ओवर फोर टाइम्स लेंथ के इक्वल आएगी और जो लेंथ अब हमारे पास है वो कितनी है वो एल बाय टू है फोर हमारे पास टू से कैंसिल जब होगा तो ये आपके पास आ जाएगा वी बाई टू एल और ऊपर रिलेशन में देखें वी बाई टूएल्व किसके इक्वल है एफ के इसका मतलब पानी में डिप करने से हमारे पास अगर लेंथ हाफ हुई केस भी चेंज हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी सेम आंसर क्या होगा चार्ली क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इक्सेसिव ओवर टोन्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग क्लैम एट इट्स एंड आर टू एटी हर्ट्स एंड थ्री फिफ्टी हर्ट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल इज सक्सेसिव ओवर टून एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के 280 एटी हर्ड्स हैं और 350 फिफ्टी हर्ड्स हैं फ्रीकवेंसी फंडामेंटल क्या होगी हम लोग जानते हैं कि हमारी जो हारमोनिक्स की फ्रिक्वेंसी होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल होती है एफ़ वन का तो आपने सिंपल ये देखना है कि जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन हैं ये किस का मल्टीपल है अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर वन फोटी तो वन फोटी का टू एटी तो मल्टीपल है लेकिन थ्री फिफ्टी मल्टीपल नहीं है रिपीट कर दूँ कि वन फोटी टू एटी का मल्टीपल तो है लेकिन थ्री फिफ्टी का नहीं है क्योंकि वन फोर्टी इंटू टू टू एटी है लेकिन क्या वन फोर्टी इंटू थ्री थ्री फिफ्टी होता है नो no. इसका मतलब वन फोटी ऑप्शन नहीं है बीटा भी इसी तरह नहीं हो सकता है क्योंकि टू एटी टू एटी ओवरटोन और फंडामेंटल सेम तो नहीं हो सकते तो मीन्स एल्फ़ा भी पॉसिबल नहीं है बीटा भी नहीं है चार्ली भी नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या है डेल्टा और डेल्टा को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं वो कैसे अगर मैं कह देता हूं कि मेरे पास डेल्टा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है सेवेंटी हर्ट्स तो जो फर्स्ट ओवर टून होगी जिसको सेकेंड हारमोनिक कहा जाएगा वो आएगा टू टाइम एफ वन वह आएगा वन फोर्टी हर्ट्स फिर जो थर्ड हारमोनिक होगी सेकेंड ओवर टून वो थ्री एफ वन के इक्वल आएगा और वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा वो आएगा टू वन जीरो हर्ट्स जब मैं फोर्थ हारमोनिक यानी फोर्थ हारमोनिक की बात करूंगा जो किसके इक्वल आएगा जो थर्ड ओवर टून के इक्वल आएगा वो फोर टाइम्स एफ वन और सेवेंटी को फोर्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एटी हर्ट्स और इसी तरह जब एफ फाइव फिफ्थ हारमोनिक फोर्थ ओवरटोन की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू फाइव इंटू सेवेंटी क्या आएगी थ्री फिफ्टी तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सक्सेसिव ओवरटोन अगर ये हैं तो फंडामेंटल की वैल्यू फिर क्या होएगी सेवेंटी तो करेक्ट ऑप्शन इस वजह से डेल्टा ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन इफ़ द नंबर ऑफ लूप्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स आर इंक्रीजिंग दैन नंबर ऑफ लूप्स के इंक्रीज करने का मतलब है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो क्या होगी डिक्रीज ऑप्शन इज ईटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन अब ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन में कहता है कि साइनोसाइडल वेव इज साइनोसाइडलिंग टूवर्ड्स द राइट एज शोन एक साइनोसाइडल वेव है जो ट्रेवल कर रही है राइट right डायरेक्शन में विच लेटर करेक्टली लेबल्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इनमें से कौन सा लेटर है जो वेव के एम्पलीट्यूड को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा अब यहां पर अगर हम देखें कि हमारे पास कौन कौन से लेटर्स यहां शो हो रहे हैं एक ए है एक ई e है एक सी है एक बी है और एक डी है अब इन तमाम लेटर्स की मैं बात कर लेता हूं कि हमारे पास ये लेटर रिप्रेजेंट किसे करते हैं फिर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि एम्पलीट्यूड क्या है ए की अगर बात करते हैं तो ए हमारे पास दो क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस है ए रिप्रेजेंट करेगा वेव लेंथ को ई e को अगर देखें तो ई e, ट्रफ और क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस है ये वेव लेंथ का हाफ है अगर सी को देखें हमारे पास तो सी भी हाफ को रिप्रेजेंट करेगा वेव लेंथ को वो भी लेमडा बाई टू के इक्वल है इन टर्म्स ऑफ अगर टाइम की बात करूं तो ये हमारे पास टाइम पीरियड टी है ये हाफ ऑफ टाइम पीरियड है और इसी तरह ये भी हाफ ऑफ टाइम पीरियड है अब रह गया बी बी हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ इनके दरम्यान वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है ये एम्पलीट्यूड का डबल है और जो डी हमारे पास है वो मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है तो डी क्या है वो एम्पलीट्यूड है इसका मतलब एम्पलीट्यूड को कौन सा लेटर यहां रिप्रेजेंट कर रहा है वो लेटर डी करेक्ट ऑप्शन इज बीटा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट फिगर शोज द शेप ऑफ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रिंग इन विच ट्रांसफर वेव आर प्रोड्यूस बाईनिंग फॉर्ग ऑफ फ्रिक्वेंसी टू फिफ्टी हर्ड्स वट इज दीव क्वेश्चन ट्वेंटी कहते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस हो रही है उसका एक एंड अटैच है ट्यूनिंग फॉर्ग है जिसकी फ्रिक्वेंसी टू फिफ्टी हर्ड्स है वेव की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी के अलावा वेवलेंथ रिक्वायर्ड होती है अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है 250 फिफ्टी वेव लेंथ कहाँ से आएगी वेव से अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये कम्प्लीट वेव है इस कम्प्लीट वेव की जो लेंथ होगी या एक क्रस्ट और ट्रफ की जो लेंथ है वो वेव लेंथ है तो ये लैमडा के इक्वल है मजीद आसान कर लें इस क्रस्ट से लेकर इस क्रस्ट तक जो डिस्टेंस है ये वेव लेंथ है तो अब इजीली फाइंड हो जाएगा ये पॉइंट फाइव है और ये वन तो जो वेवलेंथ हमारे पास होगी वो क्या आएगी फाइव माइनस वन इक्वल टू फोर सेंटीमीटर तो वेवलेंथ लंथ फोर सेंटीमीटर हंड्रेड से क्या करेंगे डिवाइड तो फोर डिवाइड बाई हंड्रेड फोर इन टू ट्वेंटी ट्वेंटी रिजल्ट क्या आ जाएगा टेन मीटर पर सेकेंड तो करेक्ट ऑप्शन इज एल्फा ट्वेंटी प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी थ्री हंड्रेड हर्ट आर सुपर इम्पोज टू प्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ स्टेशनरी वेव इन विच एडज नोड्स आर वन पॉइंट फाइव मीटर अपार्ट ट इज द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ये क्वेश्चन भी हमने स्टेप प्रैक्टिस बुक में किया प्रोग्रेसिव वेव की फ्रीक्वेंसी गिवन है 300 हंड्रेड हर्ट्स और हमारे पास इसमें कहता है जसन नोड्स में डिस्टेंस है 1.5 मीटर स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव फाइंड करनी है कैसे फाइंड होगी स्पीड वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है तो फ्रीक्वेंसी तो है वेवलेंथ कैसे आएगी दो नोड्स के इन बिटवीन डिस्टेंस गिवन है और दो नोट्स के इन बिटवीन जो डिस्टेंस हमारे पास होता है वो लेमडा बाय टू होता है तो लेमडा बाई टू इक्वल है 1.5 के तो यहां से वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा तो 300 हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई वेवलन्थ जो 3 है आंसर क्या होगा 900 मीटर पर सेकेंड करेक्ट ऑप्शन इज बीटा क्वेश्चन नंबर थर्टी इफ टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज सेट टू फॉर्म प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन और वेव के हमें रिजल्ट याद है उसमें कह, आप कह रहे हैं कि दो वेव्स फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन ट्रैवल कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या प्रोड्यूस करेंगे स्टेशनरी वेव और अगर सेम डायरेक्शन होती तो फिर प्रोड्यूस करते हैं इंटरफेरेंस क्वेश्चन नंबर थर्टी वन अविस प्रोड्यूसिंग साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी नाइनटी फाइव हंड्रेड हर्ट एंड इज अप्रोचिंग अ स्टेशनरी पर्सन विद स्पीड द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज थ्री हंड्रेड मीटर पर सेकेंड द पर्सन कैन हेयर अ फ्रीक्वेंसी अप टू अक्सिम ऑफ 10,000 थाउजेंड हर्ड्स द मैक्सिम वैल्यू ऑफ वी अप टू विच ही कैन हेयर दिसल इज अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक विसल जो प्रोड्यूस हो रही है साउंड वेव से उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 9,500 फाइव और वह अप्रोच कर रही है एक स्टेशनरी पर्सन को सोर्स मूव कर ऑब्जर्वर की तरफ कितनी स्पीड से वी साउंड की वेलोसिटी बता दी 300 मीटर पर सेकंड है द पर्सन कैन हेयर अ फ्रीक्वेंसी जो वो सुन रहा है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी अब गिवन है 10,000 थाउजेंड तो क्या फाइंड करनी है वी की वैल्यू तो सबसे पहला काम तो ये होता है केस आइडेंटिफाई करें तो केस पता चल गया सोर्स इज मूविंग टूवर्ड ऑब्जर्वर विद विदॉसिटी वी तो यू एस पर वी से रिप्रेजेंट किया गया फाइंड हमने इसी को करना फार्मूला अप्लाई करें टूवर्ड्स के केस में फार्मूला होता है वी ओवर वी माइनस यूएस इन टू एफ अब वेरिएबल्स को मैं मिक्स नहीं करता मैं यू को ही कैलकुलेट करूँगा और वही हमारा आंसर होगा एफ़ डैश की वैल्यू हमारे पास है टेन थाउजेंड स्पीड ऑफ साउंड गिवन है थ्री हंड्रेड और डिनोमिनेटर में थ्री हंड्रेड में से यू एस हो रहा है और जो रियल फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू है नाइन्टी फाइव हंड्रेड अब जो चीज़ कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल आउट करें मेनली यहाँ मैं ज़ीरोज़ को कैंसिल करता हूँ ये ज़ीरो कैंसिल हो गए और ये ज़ीरोज़ भी कैंसिल हो गए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 300 हंड्रेड माइनस यूएस इज इक्वल टू यहां पर वेरिएबल क्या रह गया एक थ्री रह गया है और एक 95 रह गया है. अब साइड चेंज करें जब साइड चेंज करेंगे 95 को पहले थ्री से मल्टीप्लाई कर लें उसके बाद फिर साइड चेंज कर लें पहले साइड चेंज करनी है आपकी मर्जी है ये रिजल्ट यू बन जाएगा यूएस इज इक्वल टू राइट पे पॉजिटिव हो जाएगा और ये लेफ्ट पे आकर नेगेटिव हो जाएगा अब फाइव इंटू थ्री फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन प्लस वन ट्वेंटी एट टू एटी फाइव तो डिफरेंस कितना है फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड तो करेक्ट ऑप्शन थर्टी वन का क्या है बीटा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू थर्टी टू क्वेश्चन हमारे पास है अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ टू मीटर फिक्स बिटवीन टू स्पोर्ट्स वाइब्रेट इन टू लूप्स द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड थर्टी टू क्वेश्चन में हमें यह कहा गया है कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो टू मीटर है फिक्स है दो स्पोर्ट्स है वाइब्रेट कर रहा है इन टू लूप्स मीन्स नंबर ऑफ लूप्स टू मीन्स ये सेकेंड हारमोनिक है फर्स्ट ओवर टून है तो कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड कितना होगा अब नोड और एंटी नोड के दरियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें पहले वेवलेंथ पता होनी चाहिए तो वो कैसे पता चलेगी जो नंबर ऑफ लूप्स गिवन है उससे अब जो टोटल लेंथ हमारे पास है वो टू मीटर है और अगर दो लूप्स बन रहे हैं तो दो लूप्स का मतलब है टोटल डिस्टेंस आल्टरनेट नोड्स का लेमडा तो हमें जो लेंथ गिवन है वो बेसिकली एल के इक्वल है तो लेमडा इक्वल है टू मीटर के अब नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है नोड और एंटी नोड के इन बिटवीन जो डिस्टेंस हमारे पास है दैट इज लेमडा बाय फोर तो अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन नोड एंड एंटी नोड तो लेमडा को फोर से डिवाइड कर दें तो टू बाय फोर ये वन ओवर टू आपके पास आ जाएगा हाफ मीटर और हाफ मीटर मीन्स फिफ्टी सेंटीमीटर करेक्ट ऑप्शन इज एल्फा थर्टी थ्री द अपेरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ विल ऑफ एन इंजन चेंजेज इन द रेशो सिक्स रेशियो फाइव एज इंजन पासिस आर स्टेशनरी ऑब्जर्वर

और इससे ये पता चल रहा है कि पहले टुअर्ड्स और फिर अवे तभी सिक्स और फाइव ग्रेटर और स्मॉलर वैल्यू आ रही है स्पीड ऑफ साउंड गिवन है थ्री फिफ्टी टू मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ इंजन हमने कैलकुलेट करनी है मीन स्पीड ऑफ सोर्स को कैलकुलेट करना है केस हमें पता चल गया कि ऑब्जर्वर अगर ये है तो सोर्स पहले टवर्ड्स आया और फिर पास कर गया उसको तो फिर अवे मूव कर गया और ये फ्रीक्वेंसी अगर मैं नाम दे देता हूँ ये एफ़ वन है और ये एफ़ टू तो हमें एफ़ वन रेशो एफ़ टू गिवन है और वो है सिक्स रेशो फाइव अप्लाई कर दें केसेस पहले सोर्स टूवर्ड्स आ रहा है तो एफ वन की जगह टूवर्ड्स वाला फार्मूला वी ओवर वी माइनस यूएस इन टू एफ और फिर वो अवे जा रहा है तो एफ टू में अवे वाला केस वी ओवर वी प्लस यूएस इन टू एफ वी कैंसल हो जाएगा एफ कैंसल होगा चेंज करें साइड तो हमारे पास वी प्लस यूएस ऊपर चला जाएगा या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ये आपकी मर्जी है मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास ये मल्टीप्लाई नहीं होगा ये ऊपर चला जाएगा बल्कि स्टेप कर ही देते हैं वी प्लस यूएस ओवर वी माइनस यूएस अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा अदरवाइज गलती हो जाएगी तो आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिक्स वी माइनस सिक्स और ये आएगा फाइव वी प्लस फाइव ये नेगेटिव राइट पर आकर पॉजिटिव और ये पॉजिटिव लेफ्ट पर जाके नेगेटिव तो सिक्स वी माइनस फाइव वी वी एंड नेगेटिव और यहाँ जाके पॉजिटिव ये आ गया इलेवन टाइम यू एस तो रिक्वायर्ड यू एस था तो वी डिवाइड बाय इलेवन कितनी स्पीड हमें गिवन है स्पीड ऑफ साउंड थ्री फिफ्टी टू तो थ्री फिफ्टी टू को हमने डिवाइड किससे करना है इलेवन से और थ्री फिफ्टी टू को अगर हम इलेवन से डिवाइड कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि इलेवन अगर मल्टीप्लाई हमारे पास थ्री से होता है तो फिर हमारे पास क्या आता है थर्टी थ्री तो इलेवन मल्टीप्लाई हुआ थ्री से तो रिजल्ट क्या आया थर्टी थ्री अब उसके बाद आप देखें कि हमारे पास रिमाइंडर क्या है उसको बल्कि लिखता जाता हूँ इलेवन इंटू थ्री थर्टी थ्री रिमाइंडर कितना आया ट्वेंटी टू तो इलेवन इंटू टू ट्वेंटी टू तो आंसर क्या आ गया थर्टी टू मीटर पर सेकेंड तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या बन रही है बीटा तो so 33 का आंसर बीटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 द साउंड ऑफ लाइटनिंग फ्लैश इज हेड थ्री सेकंड आफ्टर द द फ्लैश इज सीन डिस्टेंस ऑफ द लाइटनिंग इज 1020 मीटर द स्पीड ऑफ साउंड इज 34 क्वेश्चन में वो कहता है कि हमें साउंड सुनाई देता है लाइटनिंग फ्लैश का थ्री सेकेंड बाद जब वो फ्लैश नजर आता है द डिस्टेंस ऑफ लाइटनिंग इज वन जीरो टू ज़ीरो मीटर लाइटनिंग से डिस्टेंस जो है वन जीरो टू जीरो मीटर है तो क्या चीज़ हमें फ़ाइंड करनी है फाइंड करनी है स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू क्या होगी अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप अगर डाटा को देखें तो डाटा हमें क्या क्या वैल्यू दे रहा है डिस्टेंस दे रहा है और हमें टाइम दे रहा तो है तो स्पीड का रिलेशन आप लोग जानते हैं कि स्पीड फाइंड करने के लिए टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया जाता है अब डिस्टेंस कितना है वन ज़ीरो टू ज़ीरो और ये डिवाइड किससे हो जाएगा टाइम से और टाइम हमारे पास कितना है वो थ्री है तो अगर हम वैल्यूज़ देखते हैं ये सिंपल कैल आपके पास कैंसल आउट होगा थ्री इंटू थ्री नाइन रिमाइंडर कितना है यहाँ वन और सात क्या है ट्वेल्फ तो थ्री इंटू फोर और साथ लास्ट तो में जीरो तो थ्री फोर्टी आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन इज एल्फा थर्टी फाइव पर्सन वैन वाटर पास फ्रॉम डीप वाटर इन टू अ शेलो वाटर हाउ डू द फ्रीकवेंसी वेव लेंथ एंड स्पीड चेंजेस अब वही कॉन्सेप्ट यूज़ करें कि जब मीडियम चेंज होता है तो क्या चीज़ चेंज नहीं होती फ्रीक्वेंसी और क्या चेंज होता है वेव लेंथ और स्पीड तो वाटर वेव्स पास हो रही हैं डीप वाटर से शेलो वाटर में तो फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ और स्पीड में क्या वेरिएशन आएगी फ्रीक्वेंसी का वो आंसर होगा जो चेंज नहीं हो रहा वो बीटा और चार्ली है शैलो वाटर याद रखिएगा कि हमारे पास क्या रेयर है या डेंसर है शेलो वाटर एज़ कम्पेयर टू डीप वाटर डेंसर कंसिडर किया जाता है और डेंसर में जब ट्रांसफर ट्रांसफरवे मूव करती हैं यानी वाटरवेव मूव करती हैं तो उनकी वेव और स्पीड कम हो जाती है तो करेक्ट ऑप्शन फिर क्या बनेगी डिक्रीज एंड डिक्रीज एंड दैट इज पीटा फ्रिक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा और डेंसर में जाने से वेवलेंथ और स्पीड इन दोनों की वैल्यू जो है वो क्या कर जाएगी डिक्रीज कर जाएगी और अगर ये क्वेश्चन रिवर्स होता कि हमारे पास जो मोशन है वो शेलो वाटर से डी वाटर की तरफ है तो फिर यहां पर ऑप्शन क्या होती है ऑप्शन रिवर्स हो जाती तो ये फिर आपके पास ऑप्शन क्या बनती वो चार्ली बनती तो ये स्टेटमेंट को पढ़ के आप लोगों ने आंसर देना थर्टी सिक्स अब थर्टी सिक्स क्वेश्चन है अ अ सोर्स ऑफ साउंड मूव स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद स्पीड वन थर्ड दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड फ्रॉम अ सोर्स इज वन हंड्रेड पेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड बाय द ऑब्जर्वर इज थर्टी सिक्स में सोर्स मूव कर रहा है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर केस पता चल गया कितनी स्पीड से वन थर्ड ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फ्रॉम द सोर्स इज जो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है वो हंड्रेड हर्ड्स है क्या फाइंड करनी है अपेर फ्रीक्वेंसी अब जो डेटा गिवन है उसको हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है और फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे केस पता चल गया कि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर टेरेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला v ओवर v माइनस यूएस इन टू एफ अब v की वैल्यू गिवन नहीं है हमारे पास ना उसको मैं सब्सिट्यूट करूंगा क्योंकि हमें यूएस इन टर्म्स ऑफ v गिवन है तो जब यूएस इन टर्म्स ऑफ v गिवन है तो कैंसिल हो जाएगा v सॉल्व करने से तो यूएस कितना था वन थर्ड मैंने v बाय थ्री पुट कर दिया f कितना है हंड्रेड डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे वो थ्री आएगा थ्री वी माइनस वी नीचे आ जाएगा टू वी बाय थ्री अभी वी से कैंसिल हो गया थ्री मल्टीप्लाई होगा हंड्रेड से तो यह आएगा थ्री हंड्रेड डिवाइड बाय टू तो आंसर इज वन फिफ्टी हर्ड्स तो थर्टी सिक्स का जो आंसर है वो क्या है बीटा इसको भी हम चेक कर लें, इसमें कोई गलती हमने ना की हो वन थर्ड ठीक है इसके अलावा मल्टीप्लाई हुआ वन फिफ्टी हर्ड आंसर आता है थर्टी सेवन द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इन अ वेव मोशन इन द सेम फेज इज थर्टी सेवन क्वेश्चन में हमें कहता है कि उन दो पार्टिकल्स के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस इन वेव मोशन जो क्या होंगे सेम फेज में होंगे अब सेम फेज़ में हमारे पास पार्टिकल कौन से होते हैं जिनके दरम्यान जो डिस्टेंस हमारे पास होगा वो कितना होगा लेमडा कंप्लीट वेव का डिफरेंस तो डिस्टेंस पूछा है उन पार्टिकल्स के दरमियान जिनका फेस सेम होगा तो आंसर क्या है लेमडा और अगर कहता आउट ऑफ फेस फिर लेमडा बाई टू तो क्रस्ट और क्रस्ट के जो पार्टिकल होंगे वो इन फेज होंगे ट्रफ और ट्रफ के जो पार्टिकल्स होंगे वो इन फेज होंगे तो लेमडा के बाद इन फेज वाले पॉइंट्स आते हैं ये हमने क्विज में भी क्वेश्चन था उसको अटैम्प्ट किया था कि लेट्स अगर मैं ये वेव ड्रॉ करता हूँ तो ये पार्टिकल मेरे पास ए ये इन फेज होगा ए डैश के साथ और डिस्टेंस देखे कितना है लेमडा इसी तरह से अगर मैं पॉइंट एक ड्रॉ करता हूं बी तो बी इन फेज होगा बी डैश के साथ दोनों में डिस्टेंस कितना है लेमडा अगर मैं यहां पॉइंट ड्रा करता हूँ सी तो ये सी डैश के साथ इन फेज होगा डिस्टेंस कितना है लेमडा तो हर वो दो पॉइंट जिनके दिन डिस्टेंस लेमडा होगा वो इन फेज होंगे थर्टी एट द फेज बिटवीन टू कंजेक्टिव एंटी नोड एस थर्टी एट में कहता है कि दो कंजेक्टिव जो एंटी नोड्स हैं उनके दरम्यान हमारा फेस क्या होता है ड्रॉ करके इसको समझना आसान हो जाएगा हमारे लिए हम इसको ड्रा करते हैं और फिर समझते हैं ये मेरे पास स्टेशनरी वेव के लूप्स हैं अगर मैं नोड्स को ड्रा करता हूँ एंटी नोड्स को ड्रा करता हूँ तो ये दो एंटी नोड्स हैं जो कन्जेक्टिव हैं और याद रखिएगा कि जब हमारे पास यहाँ पर अगर स्ट्रिंग के पार्टिकल मूव करें होंगे अपवर्ड तो सेम टाइम पे यहां पार्टिकल कहा मूव करें होंगे डाउनवर्ड अगर यहां पार्टिकल मूव करें अपवर्ड और यहां पार्टिकल मूव कर डाउनवर्ड इसका मतलब यह क्या है यह फेज है ये ये आउट आउट ऑफ ऑफ फेज फेज और अगर फेज है, तो यहां पर जो हमारे पास जो फेज होगा वो कितना होगा वन डिग्री का तो थर्टी का करेक्ट आंसर क्या होगा बीटा क्लियर है ये पॉइंट और इसको अगर आप एक और तरह से करना चाहते हैं कि दो आपके पास एंटी नोड्स हैं तो दो एंटी नोड्स के दरम्यान जो डिस्टेंस आपके पास है वो कितना है दो एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेमडा बाय टू है तो लैमडा को रिप्लेस कर दें किससे से टू पाए से तो तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा आएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन थर्टी नाइन क्वेश्चन में कहता है कि द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन थ्री लूप्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज एक्सप्रेस एज स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है थ्री लूप्स में तो लेंथ इन टर्म्स ऑफ लेमडा कैसे रिप्रेजेंट होगा ड्रॉ करके इसको समझना आसान होगा तीन लूप्स ड्रॉ कर दें वन टू थ्री एक लूप लेमडा बाय टू है तो तीन लूप थ्री लेमडा बाय टू ये इसका आंसर होगा तो थ्री लेमडा बाय टू कौन सी ऑप्शन है चार्लिंग थर्टी नाइन का आंसर चार्लिंग फोर्टी क्वेश्चन द इंटेंसिटी ऑफ रेशो ऑफ टू वे वन रेशो नाइन इंटेंसिटी की रेशो वन रेशो नाइन है तो हमसे ये पूछा गया है कि एम्पलीच्यूड की जो रेशो होगी वो क्या होगी अब आपको इंटेंसिटी और एम्पलीचूड का जो रिलेशन है वो यहाँ पर यूज़ करना है और वो क्या रिलेशन था इंटेंसिटी एम्पलीचूड का इंटेंसिटी का एम्पलीचूड के स्केयर से डायरेक्ट रिलेशन होता है और एम्पलीच्यूड का फिर इंटेंसिटी के अंडर रूट से रिलेशन होगा तो अगर मैं एम्प्लीड की रेशो फाइंड करना चाह रहा हूँ तो सिंपली मैं इंटेंसिटी जो गिवन है उसकी रेशो का अंडर रूट ले लूँगा तो क्या वैल्यू गिवन है वन रेशो नाइन अंडर रूट लेंगे तो वन रेशो थ्री आंसर होगा तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी का जो आंसर होगा बीटा क्वेश्चन टूवर्ड्सरी ऑब्जर्वर देन चेंज इन वेव केस देखें क्या सोर्स ऑफ साउंड मूव कर रहा है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर जब टूवर्ड्स मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वेवलेंथ डिक्रीज होगी और स्पीड सेम रहेगी ये केस आपको पता होना चाहिए कि सोर्स अगर मूव करेगा टूवर्ड्स फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वेवलेंथ हमारे पास जो है वो कम होगी और स्पीड सेम रहेगी अल्फा इंक्रीज इन वेलासिटी कह रहा है गलत है बीटा डिक्रीज इन वेलासिटी गलत है चार्ली कहता है इंक्रीज इन, इन फ्रीक्वेंसी ठीक तो है डेल्टा कहता है इंक्रीज इन बोथ वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी तो सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ करेक्ट है एंड दैट इज चार्ली फोर्टी टू क्वेश्चन ओवरटोन्स टोन्स प्रोड्यूस बाई अ क्लोज एंड ऑर्गन पाइप आर वो आपसे ओवर टून पूछ रहा है हारमोनिक्स नहीं पूछ रहा और ओवर टून स्टार्ट होती हैं फर्स्ट हारमोनिक के बाद और पाइप कौन सा है क्लोज तो क्लोज पाइप के ओवर टून क्या आएंगे सबसे पहले थर्ड हारमोनिक थ्री एफ फिर फिफ्थ हारमोनिक फाइव एफ फिर सेवंथ हारमोनिक सेवन एफ क्योंकि सिर्फ और हारमोनिक्स होते हैं तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बीटा फोर्टी थ्री क्वेश्चन द फर्स्ट रेजिडेंस लेंथ इन क्लोज पाइप इज 20 सेंटीमीटर द सेकेंड रेजिडेंस लेंथ इज हमारा एक्सपेरिमेंट भी होता है एफ में कि फर्स्ट रेजिडेंस लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो सेकेंड रेजिडेंस लेंथ क्या होगी और पाइप क्या है क्लोज अब क्लोज पाइप के, के केस में आपको याद रखना है कि सेकेंड जो रेजिनेस लेंथ होती है वो आपके पास थ्री टाइम्स होती है फर्स्ट रेजिडेंस लेंथ के और ये हमें कैसे पता चलता है हम अगर पाइप के, के केस में देखते हैं तो हमारे पास पाइप है ये इसमें फर्स्ट स्टेशनरी वे प्रोड्यूस होती हैं जब तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो एल है वो किसके इक्वल है दैट इज इक्वल टू लेमडा बाय फोर अब उसी पाइप के अंदर जब आपके पास सेकेंड रेजिनेस प्रोड्यूस होती है मीन्स आपके पास थर्ड हारमोनिक प्रोड्यूस होता है तो थर्ड हारमोनिक उस पाइप में ये प्रोड्यूस होगा अब वही पाइप अगर हो तो फिर हम क्या कहते हैं अब हम कहते हैं कि हमारी जो लेंथ है वो थ्री टाइम्स लेमडा बाई फोर के इक्वल है तो अब यहाँ पर हमारी लेंथ तो सेम नहीं है लेंथ को तो हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि तो हम पा, पानी के लेवल को चेंज करते हैं जब पानी के लेवल को चेंज करते हैं इसका मतलब हमारी लेंथ को दोबारा रेजनन्स प्रोड्यूस करने के लिए थ्री टाइम्स करना पड़ेगा अगर थर्ड रेजनेंस पूछेगा फाइव टाइम्स तो सिंपल आपके पास क्वेश्चन है तो सेकेंड रेजनेंस थ्री टाइम्स होती है तो ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई थ्री ये सिक्सटी सेंटीमीटर के आंसर होगा तो आंसर इसका क्या है अल्फ़ा तो मैंने जो आपको कंडीशन समझाई उसमें लेमडा बाय फोर कॉन्स्टेंट लिया है लेमडा बाय फोर कॉन्स्टेंट करके आप देख सकते हैं कि हमें दोबारा अगर प्रोड्यूस करनी है तो फिर वो सेकंड रेजोनेंस थ्री टाइम्स उसके बाद अगर थर्ड रेजोनेंस फाइव टाइम्स एल हो जाएगा और फिर और इंटीजर की फॉर्म में यह चलता जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, अ सर्टेन सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज़, इफ द फ्रीक्वेंसी इज 400 हर्ट्ज़, द स्पीड ऑफ साउंड एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल बिकम्स देखिए हम जानते हैं कि मीडियम जब तक चेंज नहीं होता स्पीड ऑफ साउंड चेंज नहीं होती तो फ्रीक्वेंसी चाहे पहले 200 थी अब 400 है अगर सेम मीडियम है तो स्पीड ऑफ साउंड सेम रहेगी तो इसका आंसर क्या बनेगा नन ऑफ दीज डेल्टा और नन ऑफ दीज में क्या बेसिक होना चाहिए था होना चाहिए था विल रिमेन सेम क्वेश्चन फोर्टी फाइव अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एंड वेवलन लैमडा ट्रेवल थ्रू एयर इट मे बी एज्यूम दैट इट स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रिक्वेंसी विच ग्राफ करेक्टली शो द वेरिएशन ऑफ एफ एंड लेमडा फोर्टी फाइव क्वेश्चन में है कि साउंड वेव की फ्रीकवेंसी एफ और वेवलन लेमडा है ट्रेवल कर रहे हैं एयर में और कहते हैं स्पीड हम जानते हैं कि फ्रीकवेंसी के इंडिपेंडेंट है स्पीड मीडियम पर डिपेंड करती है तो कौन सा ग्राफ कुरेक्ट होगा जो एफ़ और लेमडा की वेरिएशन को शो करें क्या रिलेशन होता है वीज इक्वल टू एफ लेमडा और एफ और लैमडा का रिलेशन क्या होगा इनवर्स तो ग्राफ हमारे पास क्या होगा इनवर्स का ग्राफ लीनियर नहीं होगा ग्राफ कर्व होगा तो कौन सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है एक ही नजर आ रहा है ग्राफ बीटा अब यहां एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर हूं कि कब आपके पास इन्वर्स रिलेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा जब आपकी स्लोप यूनिफॉर्म होगी अब यहां चेक करना है क्या स्लोप यूनिफॉर्म है या नहीं है स्लोप हमारे पास इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस एफ ओवर लेमडा तो क्या एफ ओवर लेमडा किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है अगर मैं यहां पर देखू तो मेरे पास f और लेमडा का प्रोडक्ट कांस्टेंट के इक्वल है उनकी रेशो कांस्टेंट के इक्वल नहीं है अगर रेशो कांस्टेंट के इक्वल नहीं है तो स्लोप भी कांस्टेंट नहीं होगी क्वेश्चन 46। सिक्स वट वुड बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेंशन ऑफ अ स्ट्रेस स्ट्रिंग ऑन ऑफ वेव्स टेंशन के बढ़ाने का इफेक्ट ऑफ वेव्स पर क्या होता है आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि ट्रांसफर वेव में हमारा रिलेशन होता है वी इज इक्वल टू अंडर उट ऑफ टेंशन ओवर मैस पर यूनिट लेंथ तो टेंशन बढ़ाने से क्या होगा स्पीड बढ़ेगी तो आंसर क्या है अल्फा इंक्रीज लेकिन अंडर रूट के साथ लीनियर नहीं होगा तो 46 का आंसर हमारे पास अल्फा 47 क्वेश्चन मैकेनिकल वेव मैकेनिकल वेव क्या होती हैं मैकेनिकल वेव लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं और ट्रांसफर भी हो सकती हैं तो आर लॉन्गी ओनली गलत है बीटा ट्रांसफर ओनली गलत है चार्ली कैन बी लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर करेक्ट है फोर्टी क्वेश्चन विश आर द फॉलोइंग एक्सप्लेन दैट ऑल द गलेक्सीज आर रिसेडिंग फ्रॉम रिसेडिंग मीनस हमसे दूर जा रही हैं डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ग्लैक्सीज आर रिसाइडिंग क्या शो करेगा दूर जाना और दूर जाने से वेवलेंथ बढ़ेगी वेवलेंथ बढ़ेगी तो कौन सा शिफ्ट रेड शिफ्ट तो 48 का आंसर डेल्टा और अप्रोच होता वेवलेंथ कम होती ब्लू शिफ्ट होता फोर्टी नाइन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ अ स्टेशनरी वेव ऑन रिप्रेजेंट स्ट्रिंग व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट पी एंड द लेंथ एक्स स्टेशनरी वेव शो हो रही है कहते हैं ये पॉइंट पी और लेंथ एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जो लेंथ एक्स है ये अल्टरनेट नोड्स के दरम्यान डिस्टेंस है ये किसके इक्वल होगा लेमडा के वन वेव लेंथ यहां पर ये दो ऑप्शन है और फिर जो पॉइंट पी है ये स्टेशनरी पॉइंट्स है जहां पार्टिकल मूव नहीं कर रहे ये नोड्स हैं तो आंसर क्या बनेगा चार्ली नोड एंड वेव लेंथ फिफ्टी लास्ट क्वेश्चन अ स्ट्रिंग अंडर टेंशन एंड फिक्स एट बोथ एंड्स इफ द टेंशन इज डबल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ द फ्रीक्वेंसी बिकम्स अब दो चीजें हमारे पास यहां पर हैं कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रिंग है जो अंडर टेंशन है दोनों साइड से फिक्स है स्ट्रेस स्ट्रिंग का केस है टेंशन को आप क्या कर रहे हैं डबल और टेंशन को डबल करने के अलावा जो दूसरी चीज़ यहाँ पर हमारे पास चेंज हो रही है वो क्या चेंज हो रहा है एरिया और एरिया क्या हो रहा है हाफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी अप्लाई करता हूँ मैं फार्मूला अब हमें देखने में लगता है कि जैसे अगर मैं फ्रीक्वेंसी इन अ स्ट्रिंग का रिलेशन अप्लाई करूँगा तो वहाँ पर एरिया नहीं आता तो सिर्फ टेंशन चेंज हो रही है तो टेंशन चेंज होने से आंसर आ जाएगा लेकिन याद रखें क्रॉस सेक्शनल एरिया के चेंज करने से हमारे पास मैश पर यूनिट लेंथ जो डेंसिटी है वो चेंज हो जाएगी तो पहला काम हमें यहाँ पर ये यह करना होगा हमें मैश को रिप्लेस करना होगा डेंसिटी और वॉल्यूम की फॉर्म में और वॉल्यूम की जगह हम एरिया को सब्सिट्यूट करेंगे तो डेंसिटी मैश बाय वॉल्यूम होती है तो मास इक्वल होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के अब लेकिन ये जो एम डॉट हमारे पास है ये मास पर यूनिट लेंथ है इसका मतलब ये हुआ कि एम डॉट की जगह आएगा रो वी ओवर एल फार्मूला में वैल्यूज पुट करें वापस वन ओवर टू एल अंडर टेंशन और एम डॉट की जगह डेंसिटी और वॉल्यूम की जगह एरिया इनटू लेंथ अब यहां पर आप देखें कि कौन कौन से वेरिएबल आपके चेंज हो रहे हैं जो टेंशन है वो डबल हो रही है और जो एरिया हमारे पास है वो हाफ हो रहा है इन दोनों को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ इसको एफ डैश बोल देते हैं बाकी फार्मूला मैं उसी फॉर्म में रहने दूंगा उसको चेंज नहीं करूँगा टेंशन मेरे पास डबल और एरिया मेरे पास क्या हो रहा है हाफ बाकी मैंने किसी वेरिएबल को ना कैंसिल करना है ना चेंज करना है वो फार्मूला का हिस्सा है ये जो टू है ये न्यूमिनेटर में जाके टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा और टू इंटू टू फोर फोर का अंडर रूट टू इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डबल हो गई और बाकी सारा फार्मूला वन ओवर टू एल अंडर रूट एफ ओवर एम वैसे ही रखेंगे तो रिजल्ट क्या आया फ्रीक्वेंसी विल बिकम्स डबल तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगी एल्फा तो यहां से हमें यह पता चला कि एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम स्ट्रिंग का चेंज करेंगे तो उससे भी हमारे पास चेंज आएगा किस में फ्रीक्वेंसी में क्योंकि स्ट्रिंग कि अगर आप थिकनेस को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं करता इसी इसको हम प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हैं तो एरिया चेंज होने से फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन में चेंज आएगा इस वजह से हमने उसको देखा कि एरिया किसकी जगह सब्सिट्यूट करना है सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया डबल